आइए चलिए करते हैं बातचीत। यूपी कांस्टेबल का पेपर आज हुआ है 18 जून को, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पेपर को चलते हैं पेपर की तरफ। यह है आज की बात करें, अगर दिसंबर 2016 इंडियन रेलवे स्टार्टेड द फर्स्ट हम सफर क्लास ऑफ ट्रेन बिटवीन आनंद विहार एंड, यानी कि दिसंबर 2016 में भारतीय रेलवे ने जो पहली हम सफर ट्रेन थी वो किस किस राज्य के बीच शुरू करी थी? वो करी थी आनंद विहार और किसके बीच में? गोरखपुर के बीच में करी थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया गोरखपुर। नेक्स्ट देखते हैं, द फेमस सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती दरगाह इज सिचुएटेड एट, यानी कि जो प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, उनकी दरगाह कहाँ पर है? उनकी दरगाह है फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज द थर्ड हाइएस्ट पीक इन द हिमालयाज, हिमालय की सबसे ऊंची तीसरी पीक कौन सी है? सबसे ऊंची ऊंची है माउंट एवरेस्ट, सेकेंड है आपकी K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, और तीसरी है कौन सी? माउंट कंचनजंगा, जो कि हमारे पास से हम जा सकते हैं, भारत के लोग वहां जा सकते हैं। वो कौन सी है? माउंट कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश? ये तो सबको पता होना चाहिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, सबका सही होगा। इसका आंसर है पलाश। पलाश क्या है? आपका वहां का पुष्प है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस इन ह्यूमन, मानव शरीर में कहाँ पर होता है जी? मनुष्य में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? पित्त उत्पन्न होता है लिवर में, यानी कि जिगर में। जिसने इसका आंसर जिगर लगाया है बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट कमीशन कौन से कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था 1993 में, 1993 में ये स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय फंगी, यानी कि फंगस से होने वाली जो बीमारी है इनमें से कौन सी बीमारी है? सबको पता है दाग खाज खुजली वाले जो एड आते हैं वहां पर, रिंग वॉर्म या दाद जो है वो किसके कारण होता है? वो फंगस के कारण होता है, फंगई के कारण होता है। तो आंसर हो गया रिंग वॉर्म। विच इंडियन स्टेट अकाउंट्स मोर देन 1/3 ऑफ शुगर प्रोडक्शन आउटपुट एज ऑफ 2016-17, यानी कि 2016 और 17 में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गलती से इसका आंसर उत्तर प्रदेश न लगा दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश गन्ना उगाता है, चीनी नहीं बनाता। चीनी बनाने में सबसे ज्यादा कौन है? महाराष्ट्र सही आंसर है, उत्तर प्रदेश सही आंसर नहीं है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय, यानी कि भारत का संविधान के जो मूल दस्तावेज है वो किसके द्वारा लिखे गए थे? वो लिखे गए थे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा। गलती से B.R. अम्बेडकर मत लगा देना, उन्होंने सोचा था क्या क्या इंक्लूड करना है, लेकिन लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? यानी विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बायोटीन। बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हॉकी दिग्गज, ओके, हॉकी के दिग्गज जो है मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था अलाहाबाद में, वो अलाहाबाद से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी में, तो इसका आंसर हो गया वाराणसी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? अब ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सबसे पहले देखा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी 1875 में, लेकिन नाम कुछ और था पहले, बाद में बदलकर नाम इसका क्या कर दिया गया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो ये शुरू हुआ था 1916 में। महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यापीठ जो है ये शुरू हुआ था आपका महात्मा गांधी के आने के बाद, यानी ये हुआ था सबसे लेट इनमें से देखा जाए तो, ये हुआ था 1921 में। और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ये हुआ था 1887 में। तो सबसे पुराना है अलीगढ़, उसके बाद आपका अलाहाबाद, उसके बाद आपका BHU और बाद में महात्मा गांधी। तो आंसर क्या हो गया इसका? अलीगढ़। अब देखते हैं आयोग क्या मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास यानी ग्रासेस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? कहा जाता है कन्नौज को। ठीक है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है? भूटान को बोला जाता है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। काजो इशिगारो वॉन द नोबेल प्राइज इन 2017 फॉर विच डिसिप्लिन? काजो इशिगारो क्या थे? एक साहित्य के लियो ने मिला था, जापान के थे काजो इजिगारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द पाकिस्तान सेनेट? कौन थी फर्स्ट वुमेन पाकिस्तान सेनेट में? इसका आंसर किस किस का सही है? पहली वुमेन थी शेरी रहमान। कौन थी? शेरी रहमान। थोड़ा
टफ क्वेश्चन था, व्हाट इज इंडियाज क्रूज मिसाइल विद सीकर टेक्नोलॉजी कॉल्ड? क्रूज मिसाइल की सीकर टेक्नोलॉजी के साथ क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल में है सीकर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी ट्रांसबॉर्डर ट्रेन्स ऑपरेटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेन चलती हैं? दो ट्रेन चलती हैं। हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया है? आपको अच्छे से पता होगा कि फेसबुक में जो चोरी हुई थी जिसमें नाम डोनाल्ड ट्रंप का आ रहा था, कौन सी कंपनी का नाम बार बार आ रहा था? नाम आ रहा था कैम्ब्रिज एनालिटिका का, एनालिटिका का। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका इसका आंसर हो गया। इन दिसंबर 2017 द फिफ्थ रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग वॉज हेल्ड इन, ये कहाँ पर हुई थी आपकी? 2017 में जो 15वीं रशिया इंडिया चाइना की ये हुई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं, द लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया अकर्ड थ्रू विच सब्सिडरी लाइन्स विच इज स्टार्टेड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ? भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेसली के शासन काल में शुरू की गई थी। इनके काल में शुरू हुआ था, एक्सपेंशन कहीं भी हुआ हो उससे मतलब नहीं है। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरु केम टू द एंड एंड द लीडरशिप ऑफ सिख पास्ड टू हिज ट्रस्टेड डिसिपल। इसका आंसर क्या है आपका? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संख्या समाप्त हो गई थी और सिखों का नेतृत्व तो उनके विश्वसनीय शिष्य किसने करा था? करा था बंदा बहादुर ने। ठीक है जी, इसका आंसर है बंदा बहादुर। द नेम पाकिस्तान वॉज फर्स्ट कॉइन बाई, यानी पाकिस्तान हमारे मित्र का जो नाम है सबसे पहले किसने किया था? ये किया था चौधरी रहमत अली जी ने। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं जी। रविंद्रनाथ टैगोर अनाउंस हिज किंगहुडशिप इन द प्रोटेस्ट ऑफ, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला बाग के विरोध में छोड़ दिया था। ठीक है, तो आंसर हो गया जलियांवाला बाग मैसेकर। द रिवर गोदावरी ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ, यानी रिवर गोदावरी जो गोदावरी नदी है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गंगा के बाद, ये शुरू होती है आपका महाराष्ट्र में कहाँ से? किसी को नाम पता है जगह का? जगह का नाम है त्र्यंबकेश्वर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर वैसे है वुलर, लेकिन अगर देखा जाए तो लोकटक शायद इससे बड़ी है, पर आपके एनसीईआरटीज में उलर ही दिया रहेगा क्योंकि ये इसकी जो साइज है वो घटता बढ़ता रहता है, तो इन दोनों में काफी वो रहता है वाद विवाद, लेकिन आंसर उलर ही कंसिडर करा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में वही है। द लॉ मेकिंग प्रोसीजर लेट डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कंसिडर्ड इन्फ्लुएंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। इसका आंसर यूएस से हो नहीं सकता, अगर एग्जाम में आप देखें इसका आंसर जर्मनी भी नहीं हो सकता। इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक आपका साउथ अफ्रीका, एक आपका जापान, लेकिन इनमें से भी अगर अब मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट लूं तो वो आपका जापान होगा, तो इसका राइट आंसर जापान ले जाएगा क्योंकि जापान से आपकी ली गई थी लॉ मेकिंग। अगर बॉडी के बारे में बात करें तो जापान से वहां से उठाया गया है क्योंकि वहां पर प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग डायरेक्टली दिया गया है, तो आंसर इसका होगा जापान एज पर माई कंसिडरेशन। नेक्स्ट दे कैन जो राइट टू एजुकेशन है एक्ट, वो पार्लियामेंट ने किस वर्ष 2009 में, शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम वर्ष 2000 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट क्या है आपका? महाराजा स्वयं जय सिंह सेट एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट, महाराजा स्वयं जय सिंह ने में एक खगोलिक वैद्यशाला स्थापित की थी। इन्होंने पांच की थी वैसे बेसिकली देखा जाए तो, लेकिन उनमें से एक का भी नाम इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही का है, वो कौन सी है? उज्जैन। वैसे इन्होंने और भी जगह स्थापित करी थी जैसे कि जयपुर भोपाल वगैरह, लेकिन उज्जैन का नाम दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? उज्जैन। ठीक है, विच यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च अ सिंगल, अच्छा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च अ सिंगल वैक्सीन फॉर ड्यूल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि कौन से आपकी इन दो में से वैक्सीन का आपका टीकाकरण शुरू किया था किसने? यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत वो थी आपकी मिजल और रूबेला। इसका आंसर होगा मिजल एंड रूबेला, इनका टीका लगाया जाता है। 2017 में ये चीज आपकी लॉन्च हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है द हाइएस्ट पॉपुलेशन एज पर 2011 से, 2011 के हिसाब से चलें तो हाइएस्ट किसकी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी अलाहाबाद की, लगभग 60 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या थी 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंग, लगभग एग्जैक्ट नहीं कहेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1945 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी? घोषणा तो कई सारों ने की थी, घोषणा वैसे बेसिकली पांच ने करी थी, सबको दबा दिया गया था, लेकिन उन पांच में से इसमें नाम है जूनागढ़ का। जूनागढ़ ने वहां पर आपका कहा था कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, लेकिन बाद में किस में मिल गए? बाद में भारत में मिल गए।
ठीक है, मजबूर होना पड़ गया था जी इनको। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती, हाल ही में टेस्ट में हमारे पूछा गया था सोल्यूशन सिंबल में, तो आंसर इसका उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश होकर नहीं गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, पर उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, तो आंसर क्या हो गया, उत्तर प्रदेश का आंसर है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में, ये क्या दिया हुआ है आपका, बाई कैमरल लेजिस्लेशन दे रखा है, यानी कि आपका विधानसभा भी है और आपका विधानमंडल, दोनों चीजें जो यहाँ पर रहती हैं वो कौन कौन से राज्य में रहती है, अगर बेसिकली देखें ऐसे भारत में कितने राज्य हैं, ऐसे भारत में अगर मुझे जहां तक मुझे याद है ऐसे कुछ स्टेट हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, और आपका तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, यहाँ पर दो दो चीजें होती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आंसर देखे जाए तो कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में सिंगल ही होती है, ठीक है, विधान परिषद नहीं सिर्फ विधानसभा, तो इसलिए आंसर हो गया इसका तमिलनाडु। तो एज पर मेरे ख्याल से आप लोगों का सारा आंसर आपको मिल गए हैं, थैंक यू वेरी मच।